है। नॉर्मली होता क्या है हमारा, न्यू अगला कॉन्सेप्ट है हमारा स्मॉल बिजनेस में लार्ज में मेल से। हम कई बार ना फेसबुक यूज करते हैं, कई बार हम ईमेल आईडी यूज करते हैं। तो अगर आपने फेसबुक या ईमेल आईडी देखा होगा, या आप देखते हो यूट्यूब चलाते हो आप, या कभी भी गूगल पे आपको कुछ भी सर्च करो, तो जैसे ही हम अगर फेसबुक चलते हैं, फेसबुक जब आप यूज करोगे, आप वहां पे देखोगे तो कहीं ना कहीं साइड में एडवर्टीजमेंट आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका वॉच का एडवर्टीजमेंट आ गया, वॉच के अंदर लिखा गया 99 रुपीज ओनली, और वो एडवर्टीजमेंट अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया और उसके बारे में डिटेल जान लिया, उसके बाद आप जब गूगल ओपन करोगे वहां भी आ रहा होगा, कोई भी वेबसाइट ओपन करो साइड में बता रहा होगा, फ्लिपकार्ट ओपन करोगे वहां आ जाएगा। यानी आपको बार बार वो बताएगा, भाई तुमने इसे देखा था, लेना तो नहीं है, बार बार ये बताएगा आपको हर जगह। कोई से भी साइट पे चले जाओ वो लिंक हो जाता है एक बार देख लिया आपने तो। ऐसे सेम फेसबुक पे होता है, फेसबुक कह रहा हूं, आप यूट्यूब पे भी जाओगे, यूट्यूब पे भी जाओगे वीडियो देखोगे तो जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है वो तो है ही है, उसके साथ नीचे में आप जब वीडियो चलता है तो वहां पे भी लिखा आ जाता है, उसके साइड में भी लिखा आ जाएगा। और इसी तरीके से आपका अगर आपने गूगल पे कभी सर्च किया कोई भी प्रोडक्ट, सपोज करो आपने कोई रजिस्टर, कोई पेन या कोई शर्ट सर्च किया, तो उसके बाद आपको वो रिसेंटली बताता रहेगा, नए नए कंपनी का नेम बताता रहेगा, उससे रिलेटेड कहीं आपको लेना तो नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये एडवर्टीजमेंट करते हैं वो। इनका पूरा एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो होता है हमारा पूरा डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ये क्या करते हैं, उस चीज को टाइम टू टाइम प्रमोट करते हैं, इसे बोलते हैं हम आपका इंटेलिजेंस जो होता है यहाँ पे यूआई, या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोल सकते हैं इसको। जैसे मोबाइल फोन के अंदर भी आप देखोगे तो आप जैसे ब्राइटनेस में गए तो आपका क्या हुआ वहां पे, अगर तो ब्राइटनेस ज्यादा बढ़ गया मोबाइल फोन का ताकि आप विजुअल कर पाओ, तो ये इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो वो क्या करते हैं, इसमें अगर आपने क्लिक किया, मैंने इसी तरीके से मान लो फेसबुक के थ्रू क्लिक किया, क्लिक करते ही वो क्या होगा, सारा इंफॉर्मेशन चले जाएगा जो हमारे सेल करता है सामान। सेलर क्या करेगा, उस पर हमें कोटेशन देगा कि भाई ये प्रोडक्ट है, और वहां पे जैसे ही अंदर जाओगे तो वहां कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, प्राइस का ऑप्शन मिल जाएगा, डिजाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ के साथ उससे रिलेटेड 5-6 कंपनी का और डिटेल मिल जाएगा। जैसे ही आपने किसी कंपनी को ओके किया तो आपका माना जाएगा आपने ऑर्डर क्या कर दिया, प्लेस। ऑर्डर प्लेस करते ही वो क्या करेंगे, वहां से डिस्पैच कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। डिस्पैच होने के बाद या तो हो सकता है कैश ऑन डिलीवरी हो, या आप पहले पेमेंट करोगे। कैश ऑन डिलीवरी हुआ तो आपके घर पे प्रोडक्ट 1-2 दिन जो भी टाइम हो उस टाइम में आपके घर पे आएगा, आप पैसे दीजिए और प्रोडक्ट को देख लीजिए। अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, पहले पेमेंट किया है, तो आपके घर पे सामान तब भी उसी टाइम पे आएगा, ऐसा नहीं है कि जल्दी आ जाएगा, लेकिन आपको पेमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक फैसिलिटी होता है, जैसे कि मान लो आपको कोई फ्रिज लेना है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप ईएमआई पे भी इजिली क्रेडिट कार्ड के थ्रू इंस्टॉलमेंट बना सकते हो। अगर आपको कोई मोबाइल फोन लेना है तो आज के टाइम पे 90% मैंने देखा है मोबाइल फोन ऑनलाइन ही परचेज किया जा रहा है। जैसे अभी सेल चल रहा है, ये सेल भी निकालते रहते हैं टाइम टू टाइम पे। तो ईमेल, मेल का मतलब क्या है यहाँ पे, बेसिकली फेसबुक ले लो या ईमेल एड्रेस ले लो, इसके थ्रू क्या करना है, एडवर्टीजमेंट करना, फेसबुक और मेल। जल्दी जल्दी अंदर चलो, पीछे चलो, पीछे 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 पीछे। इधर देखिए, ध्यान दीजिए। तो मेल के थ्रू तो हम देखेंगे मेल ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर बोलो, कोई मुझे दुकान खरीदने की जरूरत है नहीं, मैंने भी ऐसा सोचा है कि कुछ मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, ऑनलाइन का बिजनेस। ऑनलाइन के बिजनेस में क्या होगा, मान लेते हैं कि मैं शर्ट का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं उस शर्ट को बल्क में खरीद के लाऊंगा और अपने घर पे रख लूंगा, मैं कोई दुकान ओपन नहीं करूंगा। मैं अपने पांच मिनट रुक जाऊं बाहर। हाँ, तो मैंने क्या करा, सिंपली कि मैंने एक कपड़े का, मैंने क्लॉथ का, शर्ट का मैंने सोचा कि ऑनलाइन बिजनेस करते, तो मैंने क्या करा, सामान के लिए कोई दुकान ओपन नहीं किया, मैं घर पे लाके रख लिया। मैंने घर पे लाने के बाद मैंने क्या करा, ईमेल बनाया।
ईमेल आईडी से हर किसी को मैंने एडवर्टीजमेंट जैसे मैंने फेसबुक पे किया, तो फेसबुक वाले को ऊपर जब मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा तो फेसबुक का जो ऑनर है उसको हमें एडवर्टीजमेंट का पैसा देना पड़ेगा। सेम मैं चाहता हूं कि यूट्यूब ओपन करे तो यूट्यूब पे पहले सबसे पहले जो वीडियो होता है वो एडवर्टीजमेंट का होता है, आपने देखा होगा। तो मैं चाहता हूं वहां पे भी आए तो जो पूरे भारत के अंदर देखेगा उस सबको बार बार वो पता चलेगा, तो उसके भी अलग चार्जेस लेते हैं वो। मैं चाहता हूं गूगल पे भी ऐसे साइड बाय साइड हमें हमेशा प्रमोट होते रहे, तो इन सबके मैंने एडवर्टीजमेंट किया। तो 120 करोड़ के पर्सन की बात मैं नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, कोई ना कोई तो देख रहा होगा एडवर्टीजमेंट। उसमें से अगर मान लेते हैं 0.1% अगर कस्टमर बन जाते हैं तो पूरे में कितने 5 बिलियन से ज्यादा पर्सन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसमें से बहुत ही कम मुझे मिल जाए कस्टमर तो वो बाय कर लेंगे। तो क्या मैंने कोई दुकान ओपन किया? नहीं किया, तो मेरा कैपिटल क्या रहेगा? बहुत कम। कैपिटल क्या लगेगा? बहुत कम रहेगा। मेरे लिए फायदे की बात क्या है कि मैं इजीली कस्टमर को जो प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहा हूं, कस्टमर कंपैरिजन कर रहा है, क्योंकि आप सामान देखते हो तो कंपेयर करते हो, उस साइड पे भी था, इस साइड पे था, कंपैरिजन की भी फैसिलिटी आपको दी गई। और मेरे लिए बेनिफिट क्या था? कैपिटल क्या लगा मेरा? बहुत ही कम लगा। आपको प्रोडक्ट रिटर्न की भी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर आपको पसंद ना आए तो 10 दिन के अंदर आप क्या कर दो, उसे रिटर्न कर दो। तो उसी के बेस पे हम लार्ज स्केल में मेल की बात करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर में ट्रेडिंग बाय पोस्ट, बाय पोस्ट का मतलब होता है, ट्रेडिंग का मतलब होता है जो भी बाय या सेल, इसको बोलेंगे ट्रेडिंग। बाय पोस्ट होगा यानी आप दुकानदार से बोलोगे नहीं कि भाई साहब मुझे ये सामान दो, वो आपका ऑर्डर प्लेस करोगे, क्लिक करोगे, उसके थ्रू चला जाएगा। यहां इसका मतलब है ट्रेडिंग बाय पोस्ट। कैश ट्रेडिंग, यहां पे नगद में ट्रेडिंग होगा आपका, आपके अकाउंट से पेमेंट उसी टाइम कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके घर पे कैश ऑन डिलीवरी मंगवा लिया और बोलते हो कि सर एक काम करो, कैश ऑन डिलीवरी तो आपने दे दिया, आप ना सामान मुझे दे जाओ और दो दिन बाद मेरे से पैसे ले जाना, वो आपको प्रोडक्ट नहीं देगा। या आप कभी भी देखना, कोशिश करना, कैश ऑन डिलीवरी मंगाया तो आप बोलना भैया पहले मैं खोल के देख लेता हूं इसको फिर पैसे दूंगा, वो बोलेगा जब पहले पैसे दोगे तब आपको इसको ओपन करने की परमिशन दी जाएगी। तो कैश बेसिस ये फीचर है आपका। और क्या है? ट्रेड विदाउट शॉप, कोई दुकान है क्या मेरा? हमारा, लेकिन फिर भी दुकान पे सामान क्या हो रहा है? कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है। लेस कैपिटल रिक्वायर्ड, समझ में आ रहा है ये पॉइंट? कैपिटल कम चाहिए। वाइड मार्केट, वाइड मार्केट मतलब पूरे वर्ल्ड, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में हम सामान को इजीली बेच सकते हैं। एंड ऑफ मिडलमैन, कोई मिडलमैन नहीं है, मैं सामान बेच रहा हूं, मैंने शर्ट को बनवाया है और सीधा मैं कस्टमर को बेच रहा हूं, तो एक तरीके से हो गया मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर सीधा, ठीक है ना। प्रोसीजर की बात करें, अगर आप भी करना चाहते हो तो सबसे पहले प्रिपरेशन कर लो मेल लिस्ट के, किस तरीके से कहां कहां एडवर्टीजमेंट करोगे नहीं करोगे, तो एक अपने माइंड में एक आइडिया लो और उसका लिस्ट बना लो। उसके बाद आपको रेगुलर एडवर्टीजमेंट करना है, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो हमेशा हुआ, नहीं, रेगुलर बार बार एडवर्टीजमेंट आपको करते रहना है। मैं एग्जाम्पल लू, एडवर्टीजमेंट के बिना आज के टाइम पे कोई बिजनेस नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐड ऐसे हैं जो आपको अच्छे से पता है तब भी उसका ऐड देखते रहते हो, क्योंकि उन्हें पता है ऐड करते रहना पड़ेगा हमें। रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, उसके बाद जैसे ही आपने एडवर्टीजमेंट करा आपको ऑर्डर मिलेगा। हम प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपने लिस्ट बनाया, ऐड करना स्टार्ट किया, जैसे एडवर्टीजमेंट करा, किसी कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आया तो आपको क्या होगा? ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद आप एग्जीक्यूशन कर दोगे, ऑर्डर जैसे ही मिलेगा आप उस ऑर्डर को तैयार करके भिजवा दोगे, तो इसको क्या बोला गया? एग्जीक्यूशन। उसके बाद लास्ट रिसिप्ट क्या होगा? पेमेंट। तो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले क्या करना है आपने? सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाने के बाद आप क्या करोगे? रेगुलर एडवर्टीजमेंट करोगे, आपके दो काम हो गए, आप बैठे हुए हो, कस्टमर को माल पसंद आया, उसने क्या करा? ऑर्डर करा, ऑर्डर करते ही आपने उस ऑर्डर को पैक करके क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करते ही आपको पेमेंट। ये तो था हमारा प्रोसीजर। एडवांटेज, होम डिलीवरी की फैसिलिटी दी जाती है आपको, पहला एडवांटेज। दूसरा, इजी मनी अरेंजमेंट कर सकते हो, किस्तों पे भी आप सामान क्या कर सकते हो, खरीदा जा सकता है। प्राइस कंपैरिजन पॉसिबल, आप एक प्रोडक्ट का कहीं कहीं भी प्राइस कंपैरिजन कर पाओगे, आपका चीपेस्ट प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट आपको नॉर्मली यहां पे मिल जाता है, क्योंकि ऑनलाइन देखा होगा कि फोन जो है, कई दुकान पे मैं गया, मैंने बोला फ्लिपकार्ट पे तो इतने का मिल रहा है, जी आप तो इतने का दे रहे हो, बोला भाई ऑनलाइन की बात हमसे मत करो, ऑनलाइन वाले रेट हम नहीं दे सकते, तो वहां पे सामान क्या मिलता है? सस्ता, क्योंकि मैन्युफैक्चरर और सीधा कौन जुड़ा हुआ है? रिटेलर, बीच में कोई नहीं है। इसके बाद सेविंग ऑफ टाइम, टाइम बच रहा है, आप रात में सुबह जाते हो 6 बजे जॉब ऑफिस चले जाते हो, रात को 10 बजे आते हो,
तो मार्केटिंग करने का टाइम नहीं है। आप जितने मार्केटिंग करने में जाओगे एक दिन का दिहाड़ी कट जाएगा, जो कि 5,000 रुपये मान लो एक दिन का आपका, तो आप क्या करोगे? ऑनलाइन आपने ऑर्डर किया, आपके ऑफिस में सामान आ गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, और 5,000 रुपये मैं जो बोल रहा हूँ रोज का बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है ये, आप सबको लग रहा है अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 1.5-2 लाख रुपए सैलरी कॉमन है आज के टाइम पे लोगों की, महीने की बोल रहा हूं। लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल कितना चाहिए? कम चाहिए। इसके बाद वाइड ट्रेडिंग, पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग इजीली हो सकता है, नो फियर बैड डेट्स, मेरा बैड डेट्स होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उधार माल बेचूंगा ही नहीं। तो सबसे पहले फीचर था, फीचर में पहला पॉइंट क्या था हमारा? ट्रेडिंग बाय पोस्ट, कैश ट्रेडिंग हो जाएगा, कहीं ऊपर नीचे कर सकते हो, विदाउट शॉप के, लेस कैपिटल, ये तीनों पॉइंट ना आपका, बस ये वाला पॉइंट छोड़ दो, ये दोनों पॉइंट तो एडवांटेज में भी मैंने लिखा है। देखो प्रोसीजर क्या है, पहले लिस्ट बना लो, लिस्ट बनाने का ऐड करो, ऐड करने के बाद ऑर्डर रिसीव करो, एग्जीक्यूशन करो, पेमेंट रिसीव कर लो, सिंपल। इसके बाद बात करते हैं हम डिसएडवांटेज, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, उधार में सामान नहीं दिया जाएगा। इसके बाद नो क्विक डिलीवरी गुड्स, अगर आपको आज जरूरत है, मान लो वेजिटेबल, जैसे कि बिग बास्केट है या कोई भी वेजिटेबल का है, तो वेजिटेबल आपको आज खाना है, 2 दिन बाद आएगा तो फायदा नहीं है, तो एक ये नुकसान है यहाँ पे। आप क्लॉथ में, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम में तो ऑनलाइन का सहारा ले सकते हो, लेकिन ऐसे सामान जो आपको आधे घंटे में जरूरत है उस पे आप नहीं जाओगे ऑनलाइन, आप कहां से लोगे? नॉर्मल दुकान से ही लोगे। इसके बाद क्या है, मोर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है। हमने, अगर मैं बताऊं, यूट्यूब के जो फर्स्ट पेज पे ऐड आता है ना, तो रात के 12:01 से चलाया जाता है रात के 12 बजे तक, पूरा एक दिन 25 लाख रुपए लगते हैं एक दिन का ऐड करने का, उसपे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है। आप देखते हो जैसे कि फेमस कोई भी आपका एडवर्टीजमेंट, बताऊं अगर मैं टीवी की बात करूं तो जो फेमस सबसे ज्यादा सीरियल है, जैसे मान लेते हैं बिग बॉस अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं, उस टाइम पे जो ऐड आएगा उस टाइम का ऐड का कीमत बहुत ज्यादा होगा। आपके ऐड को अगर 50 बार दिखाया जाएगा तो 5 लाख रुपए लिया जाएगा, इस तरीके से। तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें। लास्ट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड होता है, आपने क्लिक करा, सब कुछ मांग रहा है, डिटेल दिया, ओटीपी दिया, आपका अकाउंट खाली हो गया, होता है ऐसे कई बार, तो यहां पे फ्रॉड होने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये था लास्ट है आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, तो इसके मैंने डिस्कस किया था, मैं बुक से ही एक बार रीडिंग कर दूंगा अगली क्लास में और ये खत्म हो जाएगा। लास्ट एक और चैप्टर है, आप इस चैप्टर को अगली